ईश्वर अल्लाह तेरे ही नाम सबको सम्मति दे भगवान। अच्छा ये जो भजन आपने कहा ये मंदिरों में तो होता है, मस्जिदों में कभी नहीं होता। शिवबंदी मदरसा जो पाकिस्तान में है उसको गलत मानते हैं? नहीं, हम किसी को गलत नहीं मानते। मुल्ला उमर को गलत मानते हैं? नहीं, नहीं। तालिबान का विरोध करते हैं? हम तो किसी का भी विरोध नहीं करते। अल्लाह को भी जो मोहम्मद को नहीं मानता ये काफिर का माना है। काफिर कोई गाली तो नहीं मानता। मैं नहीं मानता। अगर मैं भी मैं मुसलमान नहीं हूँ तो अगर कल को मेरी औलाद नहीं मानेगी तो हाँ। उसको भी कहूँगा ये काफिर है। तो इस हिसाब से मैं भी काफिर हुआ ना। सारी दुनिया का जब आप अल्लाह अकबर कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि केवल अल्लाह ही महान है। इसका मतलब ये नहीं। तो क्या होता है इसका मतलब? अल्लाह सबसे बड़ा है। तो फिर महादेव से बड़ा कैसे हो गया? अल्लाह महादेव को किसी ने पैदा किया? किस मोहन भागवत जी को भी मिले थे तो हमने कहा आप देवबंद में जाके आपके यहाँ मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम जानना चाहते हैं कि इतने बड़े विवादों में रहने वाला ये केंद्र जिसको कि तालिबान का भी उस्ताद कहा जाता है, तालिबान का मुल्ला उमर यहाँ से आपका चेला बन के गया है और अभी एक सरकार बनाई है। नहीं, मुल्ला उमर हमारे यहाँ के, ये गलत है कि मुल्ला उमर यहाँ के पढ़े हुए हैं, ये गलत है। जो लेकिन देवबंदी मदरसे में पढ़े हैं भले ही यहाँ ना पढ़े। नहीं, देवबंदी मदरसे में अगर पढ़ा है उन्होंने पाकिस्तान में पढ़ा है, हिंदुस्तान में नहीं पढ़ा है। तो आप देवबंदी मदरसा जो पाकिस्तान में है उसको गलत मानते हैं? नहीं, हम किसी को गलत नहीं मानते। मुल्ला उमर को गलत मानते हैं? नहीं नहीं, हम क्यों किसी, हमारी कभी मुलाकात नहीं, हम कैसे कहते कि वो गलत है। लेकिन आप मीडिया से तो जानते ही है ना? मीडिया में हम नहीं जाते हैं, हमारा मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे मेहमान हैं तो हम बैठ गए, नाम तो मीडिया को यहाँ आने भी नहीं देते। नहीं, लेकिन आए हैं तो लेकिन अगर आपका उसका संबंध नहीं है तो जब उसको आपके चेले के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है तो डिनाई करना चाहिए ना। हमने मना किया, हमने ये बात कही कि उनको देवबंदी क्यों कहा जाता है। लोग ये समझते हैं कि वो देवबंद के पढ़े हुए हैं, वो देवबंद के पढ़े हुए नहीं है। हमने कहा कि वो सिर्फ इसलिए देवबंदी कहा जाता है कि जब देवबंद के सबसे बड़े मुखिया हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, जिनके दिल दिमाग में अंग्रेज़ की दुश्मनी भरी हुई थी और वो ग़ुलामी की जंजीर को तोड़ना चाहते थे, उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान में अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ आज़ाद हुकूमत कायम की थी अफ़ग़ानिस्तान में, और यहाँ से अपने चेले भेजे थे। उन चेलों ने जो वहाँ काम किया है, ये जो आज के तालिबान हैं या उनकी औलाद हैं या औलाद की औलाद हैं, चूंकि वो देवबंद के थे इसलिए वो देवबंदी, वरना तो ये लोग तो ना देवबंद में आए हैं। तो आप तालिबान का विरोध करते हैं? विरोध करने का, हम तो किसी का भी विरोध नहीं करते हैं। विरोध करने का क्या ताल्लुक है? वो लोग मुसलमान अपने आप को कहते हैं, वो तालिबानी हैं, क्या हैं, क्या कर रहे हैं, हमें कुछ, हम तो अपनी सारी ज़िंदगी में आज तक कभी अफगानिस्तान गए भी नहीं है, हमारा क्या ताल्लुक है? जब सारी दुनिया आपको यहाँ बैठे बैठे सुनती हो, आपको क्या जाने की जरूरत है कहीं पर? दुनिया का हर मुसलमान आपका फतवा मानता है। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है, फतवे की चीज़ दूसरी है। हमारा ताल्लुक अगर है किसी से तो हम वो वहाँ जानते, वो हमें बुलाते, हम वहाँ जा कर के काम करते। हम तो आज तक गए भी नहीं अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है किसी चिड़िया का नाम हम नहीं जानते। चलिए, आपके पोते वगैरह सब इतने हाई फाई मोबाइल यूज़ करते हैं, सबको पता है दुनियादारी में क्या हो रहा है, आपको भी पता है कि वहाँ महिलाओं की मंडी लग रही है, गर्दनें काटी जा रही है, मैं बता रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद कम से कम आप ये कहिए ना कि तालिबान गलत काम कर रहे हैं। नहीं, सुना जाता है, हो सकता है आप सही बोल रहे हैं, आप गलत। अगर मैं सही हूँ तो आपका क्या कहना है? अगर होंगे, अगर होकर के कोई हुक्म नहीं लगता है, जब तक मैं ये यकीन न कर लूँ कि आप सही हैं, मैं कोई बात नहीं। अच्छा, मैं कैसे आपको इसका यकीन कराऊँ? आप मुझे ज़रूरत ही नहीं है आपको यकीन कराने की। मेरा ये मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर कोई व्हाट्सएप नहीं है, मैं दुनिया की कोई खबर नहीं सुनता हूँ। आप मुझे फ़ोन करेंगे, आप मेरे भाई की तरह हैं, आपकी फ़ोन को ले लूँगा, मुझे ज़रूरत होगी आपके, मैं इसके सिवा दुनिया की किसी चीज़ को नहीं जानता हूँ। मेरा क्या ताल्लुक है? मैं किसी आदमी से बहस नहीं करता हूँ तालिबान के यहाँ। ये बहस नहीं है, ये चर्चा है ना, ये हम कोई बहस नहीं कर रहे। चर्चा तो आजकल मोबाइल के ऊपर इतनी गलत चर्चा है, ये तो झूठ का पुलंदा है इसके अंदर। मैं किसी की बात का अपनी आँख से देखता हूँ,
सुनता हूँ, अगर मुझे यकीन होता है बात करता हूँ, नहीं होता तो चर्चे तो बहुत होते रहते, मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि उसके अंदर फंसूँ। अच्छा, तालिबान जो भी कह रहा है, आपके पास जो भी जानकारी है, मैं मेरी छोड़ दीजिए, जो भी है, उसमें क्या गैर इस्लामिक है और क्या इस्लामिक मैं नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तालिबान ये कहते हैं कि हमारा अल्लाह एक है और हजरत मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं अलैहिस्सलाम। मैं ये जानता हूँ, बाकी उनके यहाँ क्या हो रहा है, वो किसे मार रहे हैं, किसकी मंडी लग रही है, किसको ज़िंदा कर रहे हैं, मेरा कोई ताल्लुक उससे नहीं है। ना मैं जानता हूँ, ना मैं गया हूँ कभी, ना सुनता हूँ, ना तालिबानी मेरे पास आते हैं, ना मेरा आदमी तालिबान के पास जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो आपके ही सारे पुस्तक पढ़ते हैं। यही बात है, वो हमारी पुस्तक क्या है, हमारी पुस्तक तो कुरान है, दुनिया में सारी दुनिया के मुसलमान उसको पढ़ते हैं, हमारी कोई पुस्तक पढ़ते हैं? आप ये बताइए कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं, मैं आप ही से पूछता हूँ, बताइए। नहीं, मैं तो कुरान के बारे में सिर्फ जानता हूँ, मैं तो बाकी पुस्तकें के बारे में जानता नहीं। कुरान की भी जानकारी मैं आपसे लूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने तो सईद वसीम रिजवी के साथ एक संवाद किया था, उन्होंने 26 आयतों को निकालने के लिए कहा था, वो भी मेरे प्रश्न में था कि उस पर आपका क्या कहना है। मैंने उसका जवाब लिखा है, आप मेरी वो किताब देखिए, वो हिंदी में पढ़ा हुआ है, मैंने उसका जवाब दिया है कि जिन आयतों पर वो इतराज़ कर रहे हैं वो कुरान को जानते नहीं, वहीं उसका जवाब लिखा हुआ। मैंने कहीं इधर उधर से बात नहीं की, मैंने कहा 5 आयत पहले पढ़ो, 5 आयत बाद में पढ़ो, तुम्हें उसका जवाब मिल जाएगा। आपने मेरे उस जवाब को देखा नहीं है? नहीं देखा। हाँ, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। मैं आपके भेजूँगा, आप मुझे अपना नंबर देंगे, मैं आपको और हिंदी में भेजूँगा मैं आपको। वैसे तो मुझे लग रहा है मुझे भी उर्दू सीखनी चाहिए। आप सीख रहे, बहुत अच्छी बात है, बड़ी क्योंकि कई कई चीज़ें आपको पहले ही सीखना चाहिए था। आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं तो हिंदुस्तान की वो जबान जिसको आप बोल रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं उर्दू को, आप उर्दू जानते क्यों नहीं हैं? आपको लिखना भी चाहिए, लेकिन था, आप बाकी भाषा का विरोध करते हैं। नहीं, मैंने कौन कहता विरोध? तो फिर अभी योगी जी ने कहा है कि मदरसों में दूसरी भाषा जानने वालों को नहीं लेंगे। नहीं, हम नहीं विरोध करते, हमारे यहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है, हमारे यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो जो अभी मदरसों में उन्होंने कहा है कि गैर हिंदी जहाँ उर्दू भाषा की आवश्यकता नहीं, ऐसे विषय पढ़ाने के लिए जिसको उर्दू नहीं आती ऐसे शिक्षक भी लेंगे, उसका आप विरोध कर रहे हैं? कौन विरोध कर रहा है? आप बताइए, मैंने विरोध किया? आपके लोग कर रहे हैं ना, आप नहीं कर रहे हैं तो बताओ किसने विरोध किया है? अब मुझे तो ये समझ में आता है कि हिंदुस्तान की उलेमा काउंसिल हो आप ही की है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो आप ही का है, ये कोई चीज नहीं। अच्छा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपका है कि नहीं? मैं भी उसका एक मेंबर हूँ। हाँ, तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया? क्या विरोध किया? मदरसा बोर्ड ने विरोध किया? क्या विरोध किया? उन्होंने कहा है कि उर्दू आना अनिवार्य है। हम ये कहते हैं, देखिए आप समझें इस बात को, आप नहीं जानते हैं, असल में इस्लाम अरबी जबान का है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जब फारस के लोग आए फारसी बोलने वाले, तो यहाँ के मुसलमानों ने पूरे अरबी लिटरेचर को फारसी जबान में मुंतकिल कर दिया। फारसी जबान जाने लगी और चली गई तो ये उलमा का काम था कि उन्होंने फारसी के लिटरेचर को उर्दू में मुंतकिल कर दिया। आज उर्दू है, अभी जिंदा है, हम चाहते हैं जिंदा रहे, लेकिन अगर उर्दू जाएगी हम उसे हिंदी के अंदर लाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे हिंदी पढ़ते हैं। स्कूलों के अंदर 95-98% तो मुसलमान ही स्कूलों ही में पढ़ते हैं, वो उर्दू नहीं जानते हैं। हम ये चाहेंगे कि हम सारे लिटरेचर को फारसी से उर्दू जबान के अंदर ले आएँ, उर्दू में, उसके बाद हिंदी में ले आएँ। तो ये वो चीज़ है कि हम ये चाहते हैं कि उर्दू अभी बाकी रहे, बड़ी साफ़ सुथरी है। और हिंदुस्तान के आज़ाद कराने के अंदर जितना बड़ा किरदार उर्दू का है, किसी दूसरी जबान का नहीं है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि उर्दू जबान हमें उससे मोहब्बत। इस विवाद में जाएंगे तो फिर वो अलग बात हो जाएगी। आप जाएं, क्योंकि हम कहेंगे भाई मराठी जबान का सबसे, हाँ ठीक है ठीक है, वो भी है। फिर तो आप पंजाबी कहेंगे हमारा सबसे ज्यादा। मैं कहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ, मेरे बात से आप मुझसे उर्दू में बात कर रहे हैं, मैं मराठी नहीं जानता हूँ, मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ। जिस जबान में आप बोल रहे हैं उस जबान की मुखालफत आपको नहीं करनी चाहिए। नहीं, कहा कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, ये तो हिंदी बोल, बहुत अच्छी बात है, हिंदी नहीं बोल रहे हैं। और मैं कह रहा ना, मैंने तो खुद कहा कि उर्दू पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी मैं बात। तो कहता हूँ कि हर हिंदुस्तानी को कुरान पढ़ना चाहिए, तभी तो उसको पता चलेगा ना कि क्या लिखा है। मैं आपको दूंगा, बुला उठाओ, मैंने 8 साल मेहनत करके कुरान का हिंदी अनुवाद और उसकी व्याख्या कुरान की
चेंज 8 साल की मेहनत के बाद मैंने की है, ये है वो मैं आपको दूंगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप उसको पढ़ें। क्योंकि जो वसीम रिजवी कहते हैं या जो हमने सुना है या जो चलन में है उसमें लिखा है कि काफिरों की गर्दन काटो, तो सूरज चौहान के काफिर गलत है, तो कुरान तो मेरे खिलाफ लिखा गया है। वो जानते ही नहीं है कि काफिरों की गर्दन काटो, तो आपके हिसाब से मैं काफिर हूँ कि नहीं? नहीं नहीं, मैं आपको मानता हूँ कि आप एक धर्म को मानने वाले हैं। काफिर किसे कहते हैं बताइए? नहीं, जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार जो अल्लाह को नहीं मानता, जो नबी को नहीं मानता, जो उसके आयतों को नहीं मानता, काफिर का मानना, जो अल्लाह को नहीं मानता काफिर के यही मानना, इनकार करने वाला। काफिर एक अरबी जबान का लफ्ज है, इसके माना है इनकार करने वाला। इनकार करने वाला क्या मतलब, जो अल्लाह को नहीं मानता, जो मोहम्मद को नहीं मानता, ये काफिर का माना है। काफिर कोई गाली नहीं मानता, मैं नहीं मानता, अगर मैं भी मैं मुसलमान नहीं हूँ, तो अगर कल को मेरी औलाद नहीं मानेगी तो मैं उसको भी कहूँगा अरबी जबान के अंदर ये नहीं मानता, इनकार करता है अल्लाह का, ये काफिर है। तो इस हिसाब से मैं भी काफिर हुआ ना, सारी दुनिया का जो नहीं मानती है परमात्मा को, तो फिर काफिर की सजा तो आपने नहीं, आप परमात्मा को मानते नहीं मानते? परमात्मा को मानता हूँ, वही तो है अल्लाह, और क्या चीज है? नहीं, लेकिन अल्लाह कहता है मेरे पास आने का एक ही रास्ता है। क्या रास्ता? मेरा परमात्मा कहता है कई रास्ते हैं। नहीं, हाथ जोड़ो तो भी आओगे, हाथ बंद करो तो भी आओगे, ध्यान करोगे तो भी आओगे, उपवास नहीं करोगे तो भी आओगे, पानी चढ़ाओगे तो भी आओगे, कुछ भी नहीं मानोगे तो भी आओगे। अल्लाह को भी मानते हो नहीं हो? अल्लाह को मानते हो नहीं मानते? नहीं, मैंने कहा ना अल्लाह और परमेश्वर में फर्क है, ऐसा मैं मानता हूं। ईश्वर को मानते हो नहीं मानते? हाँ बिल्कुल मानता, ईश्वर अल्लाह एक ही तो है, तो ईश्वर को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, खत्म बात। वो कहते हैं नहीं, लेकिन अगर ऐसा हम कहे, क्योंकि देखिए मैं आपसे कोई पॉलिटिकल बहस नहीं कर रहा हूँ, ये इस मुद्दे पर इसलिए मैं ज़्यादा टाइम लेना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप अल्लाह अकबर कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि केवल अल्लाह ही महान है। इसका मतलब ये नहीं है। तो क्या होता है? इसका मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है। हाँ, तो फिर महादेव से बड़ा कैसे हो गया? अब अल्लाह महादेव को किसने पैदा किया है? किसने किया? किसने? आप बताइए, आप बताइए। नहीं, महादेव को, महादेव को मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह को महादेव ने पैदा किया, ऐसा कहना चाहिए। अगर आप कहते हो तो ये आपका कहना है, क्योंकि अल्लाह को मानने वाले तो 1400 साल पहले आए, महादेव को मानने वाले तो उसके पहले से आए। ये किसने कह दिया 1400? तो कितने साल हुए जब से दुनिया है? जो सबसे पहला आदमी पैदा किया था, जिसको हम आदम कहते हैं, जिससे पहले कोई आदमी दुनिया में नहीं था, वो भी अल्लाह को मानता था। ये किसी को कहते हैं कि 1400 साल पहले अल्लाह को मानने वाले है? ये आप तो फिर तो इस्लाम को कितने वर्ष हुए? बहुत। इस्लाम के माना है। अच्छा, मोहम्मद साहब को कितने हुए? मोहम्मद साहब को 1400 साल। तो उसके पहले अल्लाह कौन मानता था? पहले भी था। उससे पहले हजरत ईसा थे नहीं थे? हाँ। उससे पहले हजरत मूसा थे नहीं थे? हाँ। उससे पहले हजरत इब्राहिम थे नहीं थे? हाँ। उससे पहले हजरत नूह थे? सबसे पहले हजरत आदम थे, वो भी अल्लाह को मानते थे। हाँ। वो भी, उनके भी मानने वालों को मुसलमान ही कहा जाएगा। इस्लाम के माना आप नहीं जानते हैं। इस्लाम के माना है अल्लाह की इताअत के लिए सर को झुका देना। ये लोग हमेशा से हैं। जो सबसे पहला आदमी पैदा किया गया था, जिसको आदम कहते हैं, वो भी अल्लाह के सामने सर झुकाता था, उसकी औलाद भी अल्लाह के सामने। ये किसने कह दिया आपसे कि इस्लाम? लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि महादेव अल्लाह या सारे भगवान एक है, मैं नहीं तो... जानता हूँ, ये मैं नहीं जानता हूँ इनको। नहीं, आपने कहा ना अभी। नहीं, मैंने कहा अल्लाह एक है। हाँ। मैंने कहा आपसे कि अल्लाह एक है। आप जिनके नाम ले रहे हैं मैं उनको नहीं जानता हूँ, लेकिन अल्लाह एक। लेकिन अगर कोई उसको जानता है, कोई मानता है, पूछता है, अगर तो क्या अड़चन है? कोई अड़चन नहीं, हम कब अड़चन कर रहे हैं? तो फिर मंदिर क्यों तोड़े जाते हैं? किसने तोड़ा? औरंगजेब ने तोड़ा, और भी लोगों ने तोड़ा। देखो, औरंगजेब ने जो किया वो औरंगजेब के साथ चला गया। हाँ। आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे बताइए मैंने कौन से मंदिर? क्योंकि आपके अनुयायी औरंगजेब के खिलाफ बोलने पे हमारे खिलाफ हो जाते हैं। अल्लाह, क्या बात कर रहे हो यार, अजीब गरीब बात है, आप क्या गुफ्तगू कर? जो चीज़ 400 साल पहले हो चुकी है, आज आप मुझसे उसको कहते हैं कि मैं मुजरिम हूँ, मैं कैसे मुजरिम हूँ? नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ मुजरिम है? मैंने तो नहीं कहा आपको मुजरिम। देखिए, मुझे अच्छा लगा कि आप बहुत हंसी के साथ अच्छे मूड में जवाब दे रहे हैं, है ना? ये मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अन्यथा मुसलमान नेता संवाद नहीं करते और डायरेक्ट इस्लाम खतरे में कह के गुंडाई करने लग जाते हैं, ये गलत है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप एकदम मतलब खुशी खुशी उसके उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप ही उत्तर आपके बारे में नहीं देंगे तो फिर भ्रम तो कायम रहेगा।
मेरे भाई मैं कभी नहीं आपसे कह रहा हूँ कि इस्लाम खतरे में, इस्लाम कौन कहता है, दूसरे लोगों की बात आप मेरे सर के ऊपर डाल रहे हैं, क्योंकि सबके गुरु आप है ना। मैं नहीं गुरु हूँ, ये किसने कह दिया? अच्छा, गुरु इस्लाम में तो नहीं होता, मैं लेकिन गुरु हूँ, लेकिन प्रिंसिपल इस मदरसे के आप, जो उनका सबसे बड़ा है। मैं ठीक है, मदरसे में 5,000 लड़के पढ़ते हैं और हमारी बहुत सी दरसगाहें हैं, मैं हूँ, ये सही है आपकी बात, लेकिन मैं इस मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें भाईचारगी पढ़ाई जा रही है। आप जो मालूमात लेकर के आए हैं लोगों से वो गलत हैं, नहीं जानते। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि नहीं, कि मैं आपको वो सवाल पूछ रहा हूँ जिसके बारे में आपके जवाब से आपका ही दाग धुलने वाला है। ठीक, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस्लाम 1400 साल की चीज़ नहीं है। इस्लाम तो जब से दुनिया आई है, दुनिया का पहला आदमी आया है, उस वक्त से लेकर आज तक कितने लाख साल गुजरे हैं, इस्लाम अपनी जगह पर है। क्योंकि आप इतना पीछे जा रहे हैं तो, और कुरान को आप फोन करते हैं, तो कुरान में जो प्रकृति की सृष्टि की या पृथ्वी की निर्मिति की जो बात की गई है, आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे बाइबल वालों ने दुरुस्त कर लिया कि पृथ्वी पहले वो चपाती जैसे मानते थे, अब वो भी मानते हैं कि गोल है, इस्लाम अभी भी मानता है कि चपाती जैसी है, अब तो विज्ञान ने साबित कर दिया गोल है, तो फिर गोल है कहने में क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो कहते हैं गोल है। कुरान ने कहाँ कहा कि चपाती जैसी है? किधर? सपाट है बोला ना, किसने कह दिया? सपाट है बोला, नहीं कोई क्यों भी नहीं कहता है। अब पहले व्यक्ति है जो मुझे ये बात कह रहे, बाकी तो सारे लोग कहते हैं। कभी किसी आलिम से मिले ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं, ऐसा मत कहिए, वो बड़े बड़े आलिम है, उनकी नौकरी चली जाएगी आप ऐसा कहेंगे। नौकरी करने वालों से आप मिले, मैं नौकरी करने वाला नहीं हूँ, मुझसे आप मिलते तो मैं आपको बताता, जो कह रहा है वो तो अपनी बात कह रहा है। अच्छा, मुद्दे पे आते हैं, जो आपने कहा अल्लाह अकबर, क्योंकि हमें इस पे आपत्ति है, जब ये कहा जाता है कि अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ है, तो हमारा कहना है बाकी भी सर्वश्रेष्ठ है, नहीं उनको क्या हर्ज? ये गलत है, इसका तर्जुमा है अल्लाह सबसे बड़ा है, जिसने सारे जहान को, दुनिया को, आसमान को, जमीनों को, सबको उसी ने पैदा किया है, उस आसमान जमीन और जो कुछ आसमान और जमीनों के अंदर, सब उस अल्लाह ने, आप उसको ईश्वर कहते हैं, मैं उसको अल्लाह कहता हूँ, वो सबसे बड़ा है। लेकिन अल्लाह कहता है कि मेरे पास आने का रास्ता एक ही, ये छोड़ दीजिए, तो गड़बड़ है ना फिर, ये छोड़ दीजिए रास्ता, आप अल्लाह के पास जाने का रास्ता क्या है और कितने हैं और किधर से जाएगा वो दूसरी चीज है, सवाल ये है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, गड़बड़ इसमें मेरा गड़बड़ और आपका कोई अंतर है? हाँ अंतर है, अभी भी मैं समाधानी नहीं हूँ। ठीक, अभी भी मैं समाधानी ठीक है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर के पास जाने के रास्ते कई है। ओफो भाई, रास्ते अलग चीज है, ईश्वर है नहीं है, वो सबसे बड़ा है या नहीं है? क्योंकि क्या हुआ, दुनिया भर के कट्टरपंथियों ने अभी तक दुनिया के सामने जो अल्लाह रखा है, वो अल्लाह को अभी मैं कन्विंस नहीं हूं ना, तो आप मुझे कन्विंस करिए। मैं कह रहा हूं कि आप भी ईश्वर को एक मानते हो और ऐसा मानते हो कि इसकी कोई सूरत नहीं है, वो सदैव से है, सदैव रहने वाला है। मैं दोनों चीजें मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि वो निराकार भी है, आकार भी है, मेरे लिए दोनों चीजें का स्वागत है। मैं जिस दिन, छोड़ दीजिए ये झगड़े की बात है, मैं जिस दिन, इसी से गड़बड़ होती है ना, होता क्या है कि मैं जिस दिन, देखें, मैं जिस दिन को मानता हूँ उसके अंदर अल्लाह एक है, कोई दूसरा क्या मानता है उसको मानने दीजिए, क्योंकि कुरान में एक जगह कहा है कि आपका दिन आपके लिए, हमारा दिन हमारे लिए। जब ऐसा कहा जाता है तो फिर दूसरे के दिन ही मस्जिदें, मंदिरें और तोड़ने की जरूरत, जो तोड़ता है उससे जाकर के पूछो, हमसे क्या, हमें ये बताओ, आप उसके खिलाफ बोलिए ना। हाँ, हमें ये बताओ, अगर कोई मंदिर को बिलावजा तोड़ता है, कोई खामखा किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में घुस करके तोड़, हम उसके मुखालिफ हैं, इससे अमन और शांति। अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है, हिंदुओं को दुर्गा पूजा के पेंडलों को तोड़ा जा रहा है। अगर मुझसे एक साहब आए थे, वो कहते थे कि उन्होंने कुरान को नीचे रखा, उसके ऊपर मूर्ति रख दी, नहीं वो झूठ है ना। अगर झूठ है बहुत अच्छी बात है, हो रहा है गलत है, हम कब कहते हैं, हमारा कोई बयान बताइए कि हम कहते हैं कि वहाँ जो हो रहा है सही हो रहा है, आप बता सकते हैं कोई? नहीं, लेकिन जिस प्रकार से ये बात हो रही उसका विरोध भी नहीं हो रहा है ना। हमसे कोई पूछता नहीं, देखिए जहाँ कहीं अमन भंग होने की बात होती है और मुसलमान दूसरे से लड़ता है बिना किसी कारण के, हम उसके विरोधी हैं, हम कहते हैं दुनिया में अगर वहाँ कुरान रखा और उसके कारण ये हुआ ऐसा आप मानते हैं,
तो जिन मुसलमानों ने फिर हिंदुओं की मूर्तियां तोड़ी उनको भी वही सजा होनी चाहिए। हम कहते हैं कि मत तोड़ो, हम तो कहते हैं कि मत तोड़ो, लेकिन जब तोड़ते हैं तो उनको सजा किस आधार पे देंगे आप? इस्लाम के आधार पे, कुरान के आधार? आप बांग्लादेश में दे रहे हैं, नहीं दे रहे, मुझसे जो पूछते हो बाबा, मैं क्या जानू बांग्लादेश में क्या हो रहा है? वो तो आप जो बोलेंगे वो सुनेंगे, ये वीडियो क्लिप वहां जाएंगी, वो लोग आपको फॉलो करेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ, बगैर किसी कारण के किसी दूसरे मजहब वाले को कष्ट देना, तकलीफ देना, मारना इस्लाम धर्म में जायज नहीं है। मैं कह रहा हूँ, सारी दुनिया सुन रही है। तो अगर ऐसा है तो फिर गजवा हिंद बनाने की जरूरत क्या है? मैं नहीं जानता हूँ यार, गजवा हिंद किसने कहा है और कहाँ जी कहा है। अब मैं बात तुमसे आपसे, देखिए आपके तो आपके दादा ने तो पाकिस्तान बनने का विरोध किया। मेरे दादा ने, मेरे वालिद, हाँ आपके पिताजी ने, आपके पिताजी ने, पिताजी कहना चलेगा, वालिद ही कहना पड़ेगा? नहीं नहीं ठीक है। तो पिताजी ने पाकिस्तान का विरोध किया, हम उसका समर्थन करते, और महमूद मदनी जी हमारे इंटरव्यू में आए थे, हमने उसमें भी इसका उल्लेख किया था, दर्शकों को बताया था, ये उनके शायद उनके चाचा, उनके दादा, उनके दादा, हाँ। तो आपके पिताजी ने विरोध किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देवबंद उसके मुखिया आज ये क्यों नहीं कहते कि जो लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को गजवा हिंद बनाना है उसका विरोध करो? गजवा हिंद है कहाँ, आपने क्या सुना? हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना, इस्लामी देश बनाना है, मतलब गजवा हिंद? बहुत अजीब बात है, ना आप जानते हैं ना आप। अच्छा, ऐसी बात मैं बोलने वाला पहला व्यक्ति तो नहीं मिला आपको? मैं, हाँ मुझे नहीं मिला, मुझे आज तक आपको गजवा हिंद शब्द सुनाई नहीं दिया। गजवा हिंद है क्या, मतलब हिंदुस्तान को मुस्लिमिस्तान बनाना? ये गलत है जो आप समझते हैं, हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना ये गजवा हिंद है, ये गलत है, मैं कह रहा हूँ आपसे, ये गलत है। क्या होता है, इसका प्रॉपर विरोध न होने के कारण लोग ऐसा कहते हैं कि आपके वालिद ने तो पाकिस्तान का विरोध किया और आपने पाकिस्तान तो विरोध किया, पाकिस्तान बन गया, अब यहाँ जो बचे हैं उनको आप बचा रहे हो और फिर यहाँ पाकिस्तान तैयार हो रहा है। आप मेरे इतने इंटरव्यू हैं हिंदुस्तान के अंदर, किसी एक इंटरव्यू में ये बताओ कि मैंने गजवा हिंद की बात कही है? चलिए छोड़ दिया, यही बात खत्म हो जाएगी, खत्म हो गई बात। तो लेकिन आप क्यों मेरी लेकिन लेकिन जो कहते हैं कि इस्लाम का ये नारा है, पाकिस्तान के आतंकवादी कहते हैं, हिंदुस्तान के कई उलेमा कहते हैं, कई लोग कहते हैं, कहता हूँ जो कहता है उससे आप बात कीजिए, मुझसे आप क्यों गजवा हिंद की बात करें? जब मैंने, हाँ तो मैंने जिनसे किया उन्होंने ये कहा कि देखो हमारा तो इस्लाम का मिशन है कि दुनिया के सारे लोगों को मुसलमान बनाना है, तो वो हिंदू को भी बनाना है। नहीं नहीं नहीं, हमारा ये मिशन नहीं है कि हम जितने आदमी हमारे पास जाएं उसे ज़बरदस्ती गर्दन पकड़ करके उसको कहें कि तुम मुसलमान में, ज़बरदस्ती कोई मुसलमान नहीं बनता, कोई मुसलमान हिंदू नहीं बनता। मजहब और धर्म तो नाम है दिल से किसी चीज़ को मानना। जो तो आप इसका विरोध करते हैं? हम बिल्कुल, हम तो फिर अभी ये जो पकड़ा गया गौतम और उसके अभी 150 करोड़ से ज़्यादा विदेशी फंड्स उसको मिले हैं, उसको गिरफ्तार किया गया है, बड़ा धर्मांतरण का रैकेट मिला है। हाँ अच्छा, अब आप ये बताइए, एक आदमी ये साबित कर दे कि उसने ज़बरदस्ती गर्दन पर पैर रख करके उसको मुसलमान बनाया है, मैं भूल जाऊंगा, बात छोड़ दूंगा। नहीं, केवल गर्दन पर रखना जरूरी नहीं ना, लालच देकर बनाना भी तो बताओ गलत है। लालच देकर कोई बन सकता है? आप पढ़े लिखे आदमी हो, अकलमंद आदमी हो, कौन दुनिया का आदमी है जो 10 रुपये या 10,000 या 10 लाख लेकर के मुसलमान बन जाएगा? बताओ, तो बने ना उसके पूरे लिटरेचर में। बिल्कुल नहीं, गलत है, बनी नहीं सकता। अच्छा, आप उसको निर्दोष साबित होने के पहले निर्दोष मान रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं उसको ये कहना कि वो जबरदस्ती मुसलमान बना, नहीं मैंने जबरदस्ती नहीं कहा, मैंने कहा लालच देकर। लालच देके कोई बन सकता है? कोई मुझे 10 लाख रुपये दे, 1 करोड़ रुपये दे, कहते कि तुम हिंदू बन जाओ, मैं बन जाऊंगा। और जिस जो आदमी 10 रुपये लेकर के मुसलमान बन रहा है उसके इस्लाम का कोई वजन है, कोई कीमत है? मतलब आप कह रहे हैं कि इसीलिए आप गौतम को बचा रहे हैं, उसकी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं? गौतम कौन है? जमीयत इस्लामी हिंद जो है। आप, मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि आप गलत कह रहे हो कि इन्होंने जबरदस्ती किसी को मुसलमान बनाया। तो फिर सरकार, सारी एजेंसियां सब लोग गलत बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ जो कहता है कि जबरदस्ती बनाया वो गलत कहता। नहीं, मैं कह रहा हूँ केवल कानून ये कहता है, केवल जबरदस्ती नहीं, अगर उसको लालच देना भी, बस ठीक है, भ्रमित करना भी। आप ये साबित नहीं कर सकते कि किसी को 10 लाख रुपये देकर के मुसलमान बनाया, मेरी जानकारी में ये बात नहीं है।
मैं जानता हूँ गौतम मेरे पास कभी कभी आया करते थे। गौतम के पास क्या ताकत है कि किसी को 10 लाख रुपए देकर के मुसलमान बना लेगा? 150 करोड़ रुपए की लिंक निकली है, 150 करोड़। क्या निकली है और क्या नहीं निकली मैं नहीं जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि उनके पास FCRA है, उस FCRA के अंदर 10 करोड़ 100 करोड़ रुपया भी हो गया। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि उनका मदरसा यहाँ भी अच्छा खासा बड़ा मदरसा है जहाँ वो रहते थे फुलत के अंदर, और जो मुसलमान पंजाब और हरियाणा में बिल्कुल अपने दीन से को नहीं जानते लेकिन वो मुस्लिम आबादी नहीं है, तो वो वहाँ भी मदरसे बनाते थे। और उनके बहुत सारे मदरसे हैं जो चलते थे, वो इसी फंड से पैसा लगाते थे। इसलिए अब मैं नहीं समझता हूँ कि वो किसी को लालच दे करके, लालच दे करके कोई हिंदू मुसलमान बन ही नहीं सकता। पैसे ले करके किसी का दिल मुतमईन हो जाए कि हाँ इस्लाम का विश्वास सही है, आप पढ़े लिखे आदमी हो यार, कैसी बात क्या आप बोल रहे हैं। देखिए दुनिया की बड़ी आबादी मजबूरी में हुई, ईसाई क्या करता है? ईसाई तो पैसे से ही करता है ना, बताऊं ईसाई जो कर रहा है। अगर आज हिंदू 10 पैसे लेकर के मुसलमान हो सकता है, वही हिंदू कल को 10 रुपये लेकर के फिर हिंदू हो जाएगा। हाँ तो वो होते हैं ना। अच्छा परसों को 10 के बजाय कोई 20,000 दे देगा फिर मुसलमान। हाँ, तो ऐसे, तो ऐसे मुसलमान और हिंदी क्या है यार, एक कौड़ी की भी हैसियत रखने वाला नहीं उसको, कौन कहने का मसला? क्योंकि एक सर्टिफिकेट दे दिया तो आप उसको बख्शीश दे रहे हैं, तो फिर वो इसके लिए कर रहा है। मैं नहीं जानता हूँ बख्शीश, मैं तो आपसे सुन रहा हूँ, मैंने उससे कभी नहीं सुना। मेरे पास गौतम आया करते थे, तो बहुत शरीफ आदमी है, उनका ये काम है। अच्छा भारत की न्याय व्यवस्था ने अगर उनको दोषी पाया, जब ट्रायल चलेगा दोषी हो जाएंगे, तो आप दोषी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मैं नहीं इतनी आसानी से मानूंगा, इसलिए कि मैं तो भुगत रहा हूँ मुसलमान बच्चों को जिनको दहशतगर्द बना करके और उनको फांसी की सजाएं दी जाती हैं। लोअर कोर्ट फांसी की सजा देता है, हाई कोर्ट फांसी की सजा देता है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बिल्कुल निर्दोष होकर के निकलते हैं। इसलिए मैं नहीं जानता हूं गवर्नमेंट की एजेंसियों का किसी को दोषी ठहराना इस चीज़ की दलील नहीं हो सकता कि वो मुकम्मल दोषी है, ये वो मैं नहीं मानता हूँ इस बात को। लेकिन हाईकोर्ट क्या पागल है, कम से कम न्यायालय दे दे, सर्वोच्च न्यायालय दोषी माने तब तो माने। अगर वो दोषी मानते हैं तो बच्चे पड़े हुए थे 26 26 27 28 28 सालों से, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे। अगर वो अगर सुप्रीम कोर्ट किसी को कहता है कि ये दोषी था, हम अपने घर बैठ जाते हैं। लेकिन अगर लोअर कोर्ट उसको दोषी मान रहा है, हाई कोर्ट नजात दे देता है, उसको छूट दे देता है, हाई कोर्ट उसको दोषी मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट निर्दोष, मैं कैसे इतनी जल्दी मान लूं कि गवर्नमेंट की एजेंसियां जो कह रही हैं वो बिल्कुल दूध की धुनी है और सही है? मैं इतनी मानता हूं नहीं, इसलिए मैंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय जब मानेगा तब तो मानेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज को, मैं आपकी हिंदी नहीं जानता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा हमने बाबरी मस्जिद को मान लिया कि भाई ठीक है तुम कहते हो, चलो खत्म हो गई बात, हमने कह दिया। चलिए बाबरी मस्जिद से मुद्दा छोड़िए, नहीं मैं चलूंगा नहीं उससे। हाँ। लेकिन फिर बाकी भी चीजें मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? हम रोजाना उसकी मुखालफत देखते रहते हैं, नीचे वाले कहते हैं कि ये दोषी है और सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा कि अयोध्या की तरह काशी मथुरा वगैरह भी अभी नहीं नहीं, इसलिए गवर्नमेंट का कानून था। देखिए आपके हाथ में ताकत है, आप उस ताकत के बलबूते के ऊपर मेरे इस मकान के ऊपर बुलडोजर चला दें, मैं निकल के किसी झोपड़ी में पड़ जाऊंगा। आप उस ताकत की बुनियाद पर मेरी 6 6 4 4 5 5 100 साल की मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चला दें, या उनको आप कहें कि ये मंदिर बन जाए, आप अपनी ताकत की बुनियाद पर जो जी चाहे करें, मगर ताकत हमेशा किसी के हाथ में नहीं रहती है। तो जब आपकी आएगी तो आप दोबारा नहीं, मेरी कहाँ जाएगी यार, मैं तो 80 साल का बूढ़ा हूँ, मगर जो आएगा आपकी 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 मतलब जो मुसलमान है हिंदुस्तान का, देखिए पाकिस्तान में तो केवल 4 गुना बड़ा। देखिए हिंदू भी आ सकते हैं जो ये कहेंगे कि ये गलत हुआ, सारे हिंदू आपकी तरह नहीं है, मुझे माफ़ कीजिएगा, जहन बदले हुए हैं, ऐसे भी हिंदू हैं कि जो आज ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। तो जो आदमी भी इंसाफ और अदल को लेकर के आएगा वो किसी आदमी तो नहीं। आपने मेरे जैसा कहा, मतलब आप मुझे कट्टर हिंदू मानते, कैसा मानते? बिल्कुल कट्टर नहीं, नहीं, नहीं। कट्टरपंथी मानता हूँ। नहीं तो अगर मैं कट्टरपंथी होता तो आपके साथ संवाद क्यों करता? नहीं नहीं ये ठीक है, मैं तो हर एक के साथ नहीं, देखिए मैं आपके साथ बैठ के बात करूं, बहुत अच्छे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बिल्कुल ठीक। तो इसी अगर आप मुझे कट्टर मानेंगे फिर तो ठीक है, आपने मुझे कट्टर मानिए ना, मैं आपको कट्टर मानता हूँ।
नहीं, मेरा मुद्दा आपके हाथ से होने वाले गुनाह पर नहीं है। मैंने नहीं कहा कि कोई आपने अपराध किया है, मैं कह रहा हूं आपकी सीख के द्वारा जो लोग अपराध करें उनका क्या, इस पर मेरे आपत्ति। नहीं नहीं, हम किसी के अपराध की ताईद करने वाले नहीं है। हम जुल्म को जुल्म समझते हैं, चाहे हमारी औलाद क्यों ना हो। लव जिहाद को क्या मानते हैं आप? लव जिहाद, लव जिहाद है क्या? जिसको इस्लाम की चीज ही नहीं है, ये तो आप, ये तो आज के लोगों ने पैदा कर दिया। लव जिहाद कभी कभी कुरान में, हदीस में, आज से 100 साल पहले जो गैर मुसलमान है उनकी लड़कियों को शादी करना, अब उसको शब्द दे दिया लव जिहाद। ये तो आपने दिया, हमने नहीं दिया। आपने नहीं दिया, लेकिन आपके चेले कर रहे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। हाथ में कलावा बांध रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, नाम बदल के लड़कियों को फंसा रहे हैं। तो लड़के, ये तो हिंदू भी फंसाता है मुसलमान। जब लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी, हंसी मजाक करेगी, हिंदू लड़की मुसलमान के साथ चली जाएगी, मुसलमान लड़की हिंदू के साथ चली जाएगी, इसमें क्या है? ये तो होता ही है, तो इसको आप लव जिहाद कैसे कहते? नहीं, तो जो मुसलमान लड़की हिंदू के साथ जा रही है उसमें आपको कोई आपत्ति नहीं है? तो हमारा दस्तूर है जो हमने बनवाया है हिंदुस्तान का, जमीयत उलमा ने बनवाया है, हमारे बुजुर्गों ने, उसके अंदर यह है कि हर आदमी को इख्तियार है अपनी इच्छा से जहाँ चाहे चला जाए। हम क्या कर सकते हैं उसको? कुछ नहीं करेंगे हम, क्या कर सकते हैं? तो जो मुसलमान लड़की जब किसी हिंदू के साथ जाए तो उसकी हत्याएं कर देते हैं? कौन कहता है हत्या कर देते? बहुत हो रही है। अगर होती है तो हिंदू भी कर देता है हत्या। हाँ। ये क्या बात है? ये तो जिसको भी अपनी इज्जत के ऊपर, मतलब आपका कहना है कि प्यार से जाते तो कोई आपत्ति नहीं? हमारा दस्तूर ये कहता है, जो दस्तूर हमारा मुल्क का बनाया हुआ है, कि अगर वो खुद अपने इख्तियार से जाती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और जो षड्यंत्र पूर्वक जा रहे हो, कोई भी हो, गलत है? षड्यंत्र क्या मतलब है? यानी मतलब कॉन्स्पिरेसी से जा रही है, यानी अंग्रेजी मत बोलिए, उर्दू बोलिए, यानी अपनी मर्जी से जा रही है। हाँ, मर्जी से जा रही तो ठीक है, ऐसा आप कह रहे हैं जा रही है तो हम, लेकिन अगर नाम बदल के उसके साथ धोखा करके जा रही है, अगर बजोर और जबरदस्ती किसी को ले जाया जाता है, हम उसके मुखालिफ हैं। आज कह रहे हैं, मिंबर के ऊपर खड़े होकर के कहेंगे कि हम उसके मुखालिफ हैं। अच्छा चलिए, आपने उसके बारे में साफ बोल दिया है। शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया नशा करते हुए और अभी अंदर है, शायद मदरसे में पढ़ता तो नशा ही नहीं करता, हो सकता है? ये हो सकता है क्या? आप ऐसा मानते हैं ना कि मदरसे में पढ़ने वाला नशा नहीं करता? नहीं करता है, ऐसा है, लेकिन कोई कोई कर भी सकता है, हम क्या जाने। शाहरुख को क्या आप कहेंगे कि बेटे की परवरिश ठीक से नहीं हुई, मदरसे में नहीं भेजा? नहीं, ये क्या बात आप कह रहे हैं कि मदरसे में न जाते हुए भी माँ बाप अगर सही तरबियत करेंगे और बच्चे को सही रास्ता दिखलाएंगे तो बच्चा और बच्चे सही रास्ते पर रहेंगे। अगर माँ बाप चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान, वो अपने बच्चे की सही तरबियत ये नहीं देखेंगे कि किन के साथ उठता है, किन के साथ बैठता है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ख़राब हो जाएंगे, चाहे वो हिंदू की औलाद हो चाहे मुसलमान की औलाद हो। नहीं, ये तो माँ बाप का फेल्यूर है। लेकिन फिर भी नशा करना, ये तो मैं इसको अच्छा नहीं समझता हूँ नशा करने को, चाहे मुसलमान करे चाहे हिंदू करे। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि आर्यन मुसलमान है इसलिए उसको फंसाया जा रहा है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, ये तो वास्तविकता बताएगी कि आया वाकई वो नशा करता था या नहीं करता था, उस पर ये इल्ज़ाम है या वाकई उसने कबूल किया है, ख़त्म हो गई बात, तो करे वो। हम किसी नशा करने वाले के लिए कोई उसकी ताईद करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। नहीं, अच्छी बात है, इसका मतलब जो ऐसा करे वो सियासी लोग हैं। नहीं, सियासी नहीं, जो ऐसा करे वो गलत करे, गलत करे। अच्छा, ये आपका जब मैं इंटरव्यू लेने आ रहा था तो मुझे कई सिया नेताओं ने कहा कि उनको ज़रूर पूछिए कि वे हमको जिंदा रहने देंगे कि नहीं। हम तो किसको, आप ये बताओ हम किसे मारते हैं यार, हमें ऐसी बात करते हो, ये बताओ शिया। अभी एक मस्जिद में वहाँ बॉम्ब फड़ा गया अफगानिस्तान में, 100 मर गए, इस शुक्रवार को 36 मर गए, वहाँ बाकी देशों में हो ही रहा है, तो वो तो सिया लोगों के लिए ये डर खौफ है उनके मन में। मैं तो कहता हूँ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा करने वालों के हाथ के अंदर जंजीर डालनी चाहिए। कोई भी आदमी किसी भी मजहब का मानने वाला हो उसके ऊपर जुल्म, हम उसको जायज नहीं समझते, हम समझते हैं कि गलत है, हम हर जगह कहते हैं कि। तो फिर सिया का विरोधी क्यों करना है? कौन कर रहा है यार विरोध? मेरा करीबी साथी है
इनकलाब के अंदर, वो मुमताज बिल्कुल शिया है, 100% शिया है, उससे जाके पूछो, मैं तो उसे गले लगाता हूँ। ये जो लोग ताजिया का विरोध करते हैं, मारामारी करते हैं, कौन करता है? अरे हमसे पूछो यार, हम तो नहीं कर रहे हैं, हमें बताओ हमने कहाँ मुखालफत की है। क्योंकि आप दुनिया के सबसे बड़े वर्ग के नेता है। मैं नहीं करता हूँ बाबा, मेरे इतने इंटरव्यू हैं, मैं आपसे, आपने नहीं किया ना, लेकिन आपके चेले कह रहे हैं। कौन चेला है मेरा, ये बताओ, मेरा चेले कह रहे हैं। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे इस पे आपका पक्ष जानना था, इसलिए मैंने आपको पूछा कि सियाओं को भी जीने का अधिकार है कि नहीं। बस हम इसके मुखालिफ हैं, शिया हो या सुन्नी हो या हिंदू हो या सिख हो या यहूदी हो, या हमारा इस्लाम और दीन किसी के ऊपर जुल्म और बगैर किसी कारण के कत्ल करने का बिल्कुल मुखालिफ है, इजाज़त नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात हो रही है, मैंने पूरे हिंदुस्तान की यात्रा की। कोई कानून छोड़ोगे भी कि नहीं? आज सारे कानून क्यों छोड़ना है, कानून का ही तो राज है, कानून का ही राज। अजान हो रही है, अभी 5 मिनट 2-3 मिनट के बाद ये मस्जिद इस दीवार के पीछे वहाँ अजान होगी और मुझे नमाज भी पढ़नी है। आपको कितनी देर नहीं, कितनी देर आपको लेना है मुझसे इंटरव्यू? देखिए आप बोर तो नहीं हुए ना, मैं तो दिल्ली से चल के आया हूँ आपका इंटरव्यू लेने। नहीं नहीं, मुझे अभी देखिए, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि आपके उन सारे दागों को आपको इस चैनल के द्वारा धोने का मौका मिला? आप दाग, मेरे ऊपर कोई दाग नहीं है, ये तो जबरदस्ती के लगाए हुए दाग है। मैं इन दागों जबरदस्ती कही है? हाँ जबरदस्ती, कोई बात कही नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ। जनसंख्या नियंत्रण कानून पे आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा एक अकीदा है, मजहबी अकीदा है। मेरा अकीदा ये है कि भगवान या अल्लाह या ईश्वर जब किसी को पैदा करता है तो उसकी रोजी और इसका रिज्क उसके साथ भेजता है। मेरा ये ईमान और अकीदा है, आप नहीं मानते इसको ना? नहीं, लेकिन व्यवहारिक बात तो ये कह रहे हैं। तो मेरा ये अकीदा है और मैं दुनिया के अंदर ये देखता हूँ कि दुनिया कितनी थी, गल्ला आज से 100 साल पहले कितना पैदा होता था और आज गल्ला कितना पैदा हो रहा है। मेरा मानना ये है कि संख्या अगर बढ़ेगी तो अल्लाह ताला उसके रिज्क और खाने के लिए दरवाजे भी खोलेंगे भगवान ऊपर वाले। नहीं, लेकिन केवल खाना नहीं देना है ना, अच्छी शिक्षा देनी है, घर देना है, सब कुछ देना है। आज कौन अच्छी शिक्षा दे रहा है? अच्छी शिक्षा देने वाले कम और शिक्षा न देने वाले गरीब जो पड़े हुए हैं या देहातों में रहते हैं वो ज़्यादा हैं। ये तो हमारी भी तो कमज़ोरी है, इसलिए कि हमें जिस तरीके पर हिंदुस्तान, अगर सरकार ऐसा कानून लाती है कि सबके दो, हिंदू के दो, मुसलमान के दो, ईसाई के दो, ये बताओ इससे पहले चाइना ये कानून लाई थी, आज उसने उस कानून को ख़त्म कर दिया? नहीं, ख़त्म नहीं किया, उन्होंने लाया ही 30 साल के लिए था, अब उन्होंने दूसरे बच्चों को छूट दी, लेकिन वो केवल चाइनीज वंश के लोगों को दी, मुसलमानों को नहीं दी। किसी चीज को भी दी है जो वहाँ चाइनीज मुसलमान हैं, जो वहीं के रहने वाले हैं हमेशा। अच्छा, उनके साथ जो हो रहा है उगर मुसलमानों के साथ, उसके खिलाफ बोलना चाहिए? हम तो बोलते, आप नहीं बोलते। कौन नहीं बोलता, हम तो हर जुल्म के खिलाफ बोलते हैं। आप कौन कहे, कैसे कहते कि हमने? अच्छा, आप उगर मुसलमानों पे जो हो रहा है उसके खिलाफ बोलते हैं? हैं, क्यों नहीं बोलेगा? तो चीन में क्या हो रहा है आपको पता है? हाँ, लेकिन हाँ, तालिबान में क्या हो रहा है आपको पता हम नहीं जानते हैं अभी तक, हम नहीं जानते। तो फिर चीन का कैसे? मैं बताऊं आपको, चीन का कैसे जानते? इसलिए कि चीन के अंदर एक हुकूमत है, कायम है, चीन के अंदर चैन और सुकून है, किसी पर जुल्म। अफगानिस्तान अभी 1.5 महीना हुआ आए हैं, वहाँ अभी तक कोई हुकूमत जम ही नहीं सकी है। जब जम जाएगी तब पता चलेगा कि इनका नज़रिया क्या है। हमने ये बात कही थी कि हम आज उसके बारे में कोई बात नहीं कह सकते। हुकूमत जब जम जाएगी और वो अपनी पूरी पॉलिसी सामने ला कर के रख लेंगे, हम उस वक्त फैसला करेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम बोलेंगे अगर बुरा है कोई, आपसे पहले बोलेंगे हम। मैं आपको फिर पूछने आऊँगा। हाँ, ये असर और आंखों के ऊपर। कई लोग हैं ऐसे जिनकी गर्दन काटने के फतवे निकले हुए हैं। किसने फतवा दिया है यार? जिसने दिया है उनसे पूछो ना, मुझसे क्या? आपके चेले हैं ना? नहीं। वो देवबंदी है। नहीं नहीं नहीं, किसका कौन फतवा देता है? सब वाहियात बातें हैं यार, कौन किसका फतवा देता है गर्दन काट दो? किसने दिया है? हमने तो नहीं दिया, नाम इसकी ताई। 70-71 लोगों की लिस्ट है।
मैं तो आपसे सुन रहा हूँ, मैंने तो अल्लाह जानता है आज तक सुना भी नहीं किसी। अच्छा मैं अगर वो लिस्ट आपको दूं और मैं कहूँ कि आप फतवा दीजिए कि इनकी गर्दन ना काटो। मैं बगैर लिस्ट देखे कहता हूँ, मैं बगैर लिस्ट देखे कहता हूँ कि मत काटो गर्दन। कट्टर मुसलमान कौन है जो नमाज पांच वक्त की पढ़ता है, रोजा रखता है, रमजान का, आप उसे कहते हैं नहीं? बिल्कुल नहीं। तो फिर कौन है? देखिये, पांच वक्त की नमाज पढ़ने वाला और भले वही मस्जिद में रहे, दिन का काम करे, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। कट्टर, हमको कट्टरता उसमें है जो कहता है कि तुमको आरती नहीं उतारने देंगे, तुमको भगवाई घंटा बजेगा तो घंटे का आवाज अगर मस्जिद में आएगा तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। नहीं, जो कहता है कि मंदिर का स्पीकर बंद करो, मैं उसको कट्टर मानता हूं। गलत है, कोई नहीं गलत। अच्छा, समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड, सबके लिए एक समान कानून? नहीं नहीं, हमने जो दस्तूर बनवाया था उसके अंदर ये है कि किसी का गवर्नमेंट का कोई मजहब नहीं है। हर मजहब वाले को आज़ादी है कि वो अपना मजहब अपने ऊपर, जिस तरीके पर उसको आज़ादी है वो अपने मजहब को अपनाए, कोई बात नहीं। हम इसी के कायल हैं। हम ये नहीं मानते हैं कि जो यहाँ अकलियत है वो अक्सरियत के मजहब की पाबंद हो जाए। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इतनी बड़ी बड़ी अकलियतें रहती हैं वहाँ ये चीज़ चलने वाली नहीं है, और आप नहीं चला पाएंगे इसको। लेकिन कई देशों में है। नहीं, जहाँ है वहाँ बिल्कुल खामोश है, कोई कुछ नहीं करता है, चाहे जैसे रहे। अच्छा, मोदी जी के बारे में अगर नहीं बोलेंगे तो इंटरव्यू अधूरा रहेगा। अब तक की सारी सरकारों ने जितने पैसे दिए होंगे उससे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं मुसलमानों को, ज़्यादा सुविधा दे रहे हैं, ज़्यादा स्कॉलरशिप दे रहे हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जो आदमी जो अच्छा काम करता है मैं उसको अच्छा समझता हूँ, लेकिन आप ये मुझसे सब सियासी सवाल कर रहे हैं, मेरी ज़िंदगी सियासी नहीं। मैं देखिए, एक अब नागरिक तो है हिंदुस्तान के। मोदी जी की ज़िंदगी जो है वो सियासी ज़िंदगी है। मैं ये बिल्कुल नहीं जानता हूँ कि मोदी जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मेरे इतने इंटरव्यू हैं, मैंने कभी मोदी जी का नाम लेकर किसी इंटरव्यू में एक बात भी नहीं कही है। आप उसको पढ़ें और देखें। मैं सियासी चीज़ के नहीं, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं तो कहेंगे। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है बुरा काम कर रहा है। कौन कहता है कि बुरे काम करने वाले को अच्छा है, अच्छे काम करने वाले को बुरा? कौन ये बताइए? मैंने मोदी जी को कभी बुरा क्या है? मैं तो नहीं कहता हूँ, मेरी वो लाइन ही नहीं है। अच्छा, योगी जी ने भी इतने पैसे दिए अब तक, BSP और समाजवादी ने जितने पैसे दिए उससे ज़्यादा पैसे योगी जी ने दिए। वहाँ से उठे इधर आए, मैं सियासी बात कोई नहीं करूँगा। अच्छा चलिए, योगी अच्छा आदमी है तो कहेंगे ना? अगर अच्छा करता है कोई आदमी, अच्छा है बुरा करता है बुरा है, नहीं क्यों नहीं कहेंगे? योगी जी के बारे में अच्छा तो कहना चाहिए। अगर अच्छा करते आपके राज्य के मुख्यमंत्री? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो मेरे सर और आंखों के ऊपर, क्योंकि आप वोटर भी है, वोट करने जाएंगे तो योगी जी को वोट देंगे अगर अच्छा करेंगे तो। मुझसे तो चला नहीं जाता है यार, नमाज पढ़ने के लिए भी जाना मुश्किल होता है, मैं कहाँ बहुत स्टेशन के ऊपर जाऊँगा। अच्छा, कार्यक्रम के आखिर में, आप करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं और ये इंटरव्यू होगा इसकी बहुत लोगों को प्रतीक्षा थी, मुझे भी थी, और इसलिए मैं दिल्ली से चल के यहाँ आया हूँ। जो प्रश्न लोगों के मन में है, इसको जो प्रश्न यानी सवाल है लोगों के, हाँ, उनके उत्तर देने की कोई स्थायी व्यवस्था आप क्यों निर्माण नहीं करते? आप तक कोई पहुंच ही नहीं पाता। नहीं, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कौन कहता नहीं आते। मेरे पास इंटरव्यू लेने के लिए लोग आते हैं, मगर मैं इंटरव्यू देने के लिए किसी के स्टेशन पर कभी नहीं जाता हूँ। मैं नहीं जाता हूँ वहाँ, कोई बात नहीं होती। अगर कोई आता है मैं उससे कहता हूँ कि मुझसे सियासी सवाल नहीं करोगे, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ। आओ, अगर किसी मसले पर बात करना चाहते हो, जो मेरी पॉलिसी है, जैसे कि मेरी एक संस्था है जमीयत उलमा, मैं उसके मुताबिक आपको जवाब दूँगा। मैं ये कहता हूँ, लोग आते हैं पूछते हैं, मैं उसका जवाब देता हूँ। कौन कहता है कि मैं जवाब नहीं देता हूँ? मगर मैं सियासी बात कभी नहीं करता, सियासत पर कभी चर्चा नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैंने भी आपको नहीं पूछा। नहीं, नहीं, आपने सियासी सियासी लोगों के बारे में। कोई बात नहीं, तो एक गांधीवादी मिले थे मुझे, उन्होंने कहा कि मुझे परसों एक हिंदूवादी ने पूछा, उसका उसकी भाषा में बता रहा, उसने कहा कि आप जब मदनी जी को मिलेंगे तो पूछ लीजिए कि क्या गांधी जी को जन्नत मिली होगी कि नहीं मिली होगी। मैं क्या जानूं बाबा, ये तो ऊपर वाले का काम है। बहुत से मुसलमान हैं जिनको जन्नत नहीं मिलेगी।
लेकिन आप गांधी के बारे में तो जानते ही हैं। नहीं मैं नहीं, मैं जानता हूँ गांधी जी के तो बारे में, तो आप उनको एश्योर कर सकते हैं। मैं तो अपने बारे में भी नहीं कहता हूँ कि मुझे जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो यहाँ पहुँचने के बाद भी नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, तो कब मिलेगी? ये तो अल्लाह जानता है कि अल्लाह किसी के काम से अगर खुश होता है तो उसको जन्नत देगा, अगर किसी के काम से खुश नहीं होता है उसको जन्नत नहीं देगा। ये उसका काम, तो भीख मांगते हैं कि अल्लाह हमें जन्नत दे देना। आज हम दुनिया में उस दुनिया के बारे में कोई निर्णय और फैसला करने ये हमें इख्तियार नहीं है। नहीं, क्योंकि उसने ये कहा कि इस्लाम के अनुसार तो महात्मा गांधी भी जन्नत में नहीं गए हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। क्योंकि जो अल्लाह को नहीं मानता वो जन्नत में नहीं जाता। महात्मा ईश्वर अल्लाह तेरा ही नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये कौन कहता है कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे? ये तो आप कह रहे हैं, मैंने तो कभी भी नहीं सुना। उनके पास कुरान भी था। अच्छा, ये जो भजन आपने कहा ये मंदिरों में तो होता है, मस्जिदों में कभी नहीं होता? नहीं, मस्जिद में तो रात और दिन होता है कि अल्लाह और ईश्वर एक ही है। मस्जिद में तो पढ़ा ही जाता है एक अल्लाह की बात, मान तो किसी और की बात होती ही नहीं है यार। कैसी बात कर रहे हो तुम्हें? मैंने, कुछ पता मैंने, नहीं मैंने भजन की बात की, मैंने कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये नहीं गाया जाता। ये तो नहीं, नहीं ये कहाँ गाया जाता है कहाँ नहीं, लेकिन हमारा विश्वास और अकीदा यही है। हम तो जो मांगते हैं अल्लाह ही से मांगते हैं, किसी और से नहीं मांगते हैं। हम तो उसको सारे जहान और सारी दुनिया आसमान और ज़मीन सबका पैदा करने वाला मानते हैं। वो सदैव सह सदैव रहने वाला, जन्नत और जहन्नम उसी की है, वो जिसे चाहेगा। चलिए आखिरी प्रश्न लेते हैं। आप मोहन भागवत जी को मिले, लोग ऐसा मानते हैं कि आप सबसे कट्टर हैं, मानते हैं है ना, जो है आपके बारे में जो बाहर परसेप्शन है कि आप दुनिया के आतंकवादी संगठन के जो आतंकवादी है उनके भी आप वस्ताद है, ऐसा लोग मानते हैं। और आपके लोग मोहन भागवत आरएसएस के लोगों को कट्टर मानते हैं। आप दोनों मिले, आप मोहन भागवत जी तो सियासी नहीं है, एक सांस्कृतिक संगठन के व्यक्ति है, तो आपको कैसा लगा उनको मिले? अच्छा मिला। मैंने उनसे जो अपना नजरिया पेश किया, जो मैंने अपना विचार पेश किया, उन्होंने उसको कबूल किया। मैंने कहा कि मुल्क बगैर हिंदू और मुसलमान की प्यार और मोहब्बत के नहीं चलेगा। उन्होंने मेरी इस बात को कबूल किया, स्वीकार किया उन्होंने, और मेरी इस बात पर चले। मैंने कहा कि आपकी पॉलिसी ये अगर नहीं होगी तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सुनिए, हाँ। मैंने उनसे ये बात कही, उन्होंने मेरी इस बात को तस्लीम किया और ये कहा कि मैं हिंदू और मुसलमानों के आपस में इत्तेहाद की बात को लेकर चलूँगा, मगर तेज़ नहीं चलूँगा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलूँगा। अगर मैं तेज़ चलूँगा तो मुझे इसका ख़तरा है कि मैं पीछे मुड़ के देखूँगा तो सारे पीछे रह जाएंगे, मैं अकेला रह जाऊँगा। उन्होंने मुझसे ये भी वादा किया था। मैं आपसे कहता हूँ कि 2-2.5 साल के बाद फिर मैं आपको अपने किसी प्रोग्राम में बुलाऊंगा, आप आएंगे। मैंने कहा कि मैं आऊंगा, जब आप बुलाएंगे, जहां बुलाएंगे मैं वहां जाऊंगा और अपने इन विचारों को लेकर जाऊंगा जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं। अच्छा, वो कहते हैं DNA एक है सबका, आप सहमत है? अरे भाई, जो यहाँ का मुसलमान है, बाप दादा तो सब हिंदू ही थे सबके, भाई किसी के 2 औलाद थी, एक हिंदू रह गई एक मुसलमान। यहाँ कितने गांव हैं जिस गांव के रहने वाले ये कहते हैं कि फलाने हमारे दादा परदादा कौन थे, उनकी 2 औलाद थी, एक हिंदू हो गया, एक मुसलमान की औलाद है, मैं हिंदू की औलाद ये हैं। और वो एक दूसरे के पास जाते हैं, शादी ब्याह के अंदर, गमी के अंदर शरीक होते हैं। हिंदुस्तान का माहौल ऐसा ही होना चाहिए। ये जो नफरत की सियासत है, मैं ये समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान के लिए बर्बाद करने वाली है। हम इस नफरत मतलब ओवीसी की सियासत, नहीं नहीं, और भी लोगों, क्या आप ये समझते हैं कि ओवीसी फिरका परस्त है और हिंदू फिरका परस्त नहीं है? कौन है? नहीं, मुझे तो कोई नहीं दिखता। आपको नहीं दिखता है, मगर आप चश्मा लगा के देखिए कौन है। एक भी आदमी ऐसा नहीं जो ओवीसी की भाषा में हिंदू में बात करता। मैं कहता हूँ इतनी मॉप लिंचिंग हुई है, इन मॉप लिंचिंग के अंदर कई कितने मुसलमान गए हैं उनको गिनो, क्यों नहीं इसके खिलाफ कानून लाते? एक भी नहीं हुई क्या? झूठ, गलत बोल, एक भी नहीं, गलत बोल। वो आपसी विवाद थे जो कि हिंदू मुसलमान में क्या आप किसी में भी होते। मैं कहता हूँ अगर आपसी विवाद ही थे तो फिर जमा हो करके इस तरीके पर मुसलमान या हिंदू को कत्ल करना, आप इसकी तारीफ करते हैं क्या? कानून, मैं किसी को मारने का तो कभी समर्थन नहीं करता। ये तो आप क्योंकि इसलिए पत्रकार बना हूं। नहीं तो कर रहे हो यार। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ उसको मॉब लिंचिंग नहीं कहना चाहिए। जो मॉब लिंचिंग थी वो थी, जो नहीं थी वो नहीं थी।
जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, जिस तरह बांट दिया है हिंदू और मुस्लिम के अंदर, ये चीज इस मुल्क को तबाही की तरफ ले जाने वाली है, मुल्क को आबाद करने वाली नहीं। हम तो जोड़ने वाले हैं। आप गलत कहते हो, जोड़ने वाले हो। आप जो तोड़ने वाले हो उनकी गोद में बैठने वाले हो। कौन हो? मैं क्या बताऊं? नहीं तो बोल दीजिए, खुद सोचो ना। नहीं, मैं तो सुनने को तैयार हूँ। वो फिरका परस्त। तो नाम लीजिए ना। फिरका परस्त। मैं किसके गोदी में बैठा? आप नाम दीजिए। मैं नाम नहीं लेता हूँ, मगर मैं कहता हूँ तो फिर चाहे मुसलमान। मैं सुनिए, जो आदमी आपसे इतनी प्यार से बात कर रहा है, आप उसको कह रहे हैं क्या? मेरा मानना ये है कि फिरका परस्ती मुसलमान करता है तब वो गुनाहगार है, हिंदू करता है तब गुनाहगार है। तो हम तो फिरका परस्त है, आप ऐसा? नहीं नहीं, मैं आपको नहीं मानता हूँ, लेकिन आप कहिए कि फिरका परस्ती मुल्क को तबाह करने वाली है, आप कहिए। बिल्कुल कहते हैं, हम कहते हैं फिरका परस्ती गलत है। हम कहते हैं कि बाबर को अपना वंशज मानना गलत है। हम कहते हैं कि कोई नहीं मानता बाबर को, हम अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं। कौन कहता है बाबर? जो मानते हैं। मैं आपको कब कहा? कोई नहीं मानता। जो मानता है वो कौन मानता है बाबर को? बाबर एक इंसान था, मेरी और आपकी तरीके से। हम उसको क्या मान लेंगे? वो कोई अल्लाह का फरिश्ता था, हम क्यों मानेंगे? हम नहीं किसी को मानते। हम तो जो मानते हैं वो गलत है। कोई मुसलमान नहीं मानता, इसलिए उसके नाम का बोर्ड हटा देते हैं तो वहां झगड़ा करते हैं। ये तो झगड़े की बात है। कोई नहीं मानता, बाबर रहे उनका बोर्ड रहे कि न रहे, कोई इस्लाम थोड़े ही खतरे में चला जाएगा। हटा देना चाहिए। हटा दो, किसकी आबादी? जिसका जी चाहे रखे, जिसका जी चाहे। ये आपने मन की बात बोली। हाँ, ये देखिए, ये सारे नाम हटा देने चाहिए। आप किसी, मगर हटा देने चाहिए हिंदू का नाम भी, मुसलमान के नाम भी। ये नहीं है कि मुसलमान का हटा दो। अगर किसी गलत हिंदू का नाम कहीं दिया है तो मैं हटाने का पक्ष पर हूँ। नहीं नहीं, गलत। अगर वो हत्यारा था, अगर वो बलात्कारी था, अगर वो गलत शासक था, ये गलत कहना किसी को, ये मेरा और आपका काम नहीं। ये तारीख पढ़ो उठा करके। ये थोड़ा ही है कि जिसे मैं गलत कह दूँ वो गलत हो गया, आप जिसे गलत कह दें वो गलत हो गया। आप तारीख की किताबों को पढ़िए, पढ़ करके फैसला कीजिए। चलिए, आपने समय निकाला, हमारे साथ बातचीत की और दिल खोल के बात की, इसके लिए धन्यवाद। हम पुनः मिलेंगे। आपने अभी कहाँ हैं? मैं भी शुक्रिया। हाँ हाँ, मैं जब आप कहेंगे तब मिलूँगा। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर से बेहतरीन बनाने की दिशा में योगी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जिनकी बदौलत आज उत्तर प्रदेश के स्कूल